बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल माशा कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.6 और फर्स्ट ईयर मैथ्स की। तो ये फर्स्ट ईयर मैथ्स की न्यू बुक की, तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। पहले तो टॉपिक को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन, आज का जो टॉपिक है वह है ज्योमेट्रिक मीन का रिलेटेड। सबसे पहले तो अगर ज्योमेट्रिक मीन वन ज्योमेट्रिक मीन होगा, जब एक ही ज्योमेट्रिक मीन होता है सिंपल, तो फॉर्मूला आपके पास याद रखना अंडर रूट ए बी होता है, मतलब शुरू में आता प्लस माइनस। अब जब एक से ज़्यादा होता है तो नीचे के सवाल जो हम करेंगे उसका मेथड होगा। पहले स्टार्ट के सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के। क्वेश्चन नंबर वन में हमें बोल रहा है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, बहुत ईजी है, मैं यहीं पर डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट ए बी, तो आप लोगे बाहर प्लस माइनस अंडर रूट, ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू -8 है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है माइनस माइनस प्लस 2 8 16, तो आंसर आ गया प्लस माइनस 4 16 करोड़। इस तरह से सवाल ये वाला सॉल्व हो, क्वेश्चन नंबर वन। तो जब एक होता है ये इस तरह के सवाल MCQs में आते हैं, सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू देखो, 3 और 1/3 भी है, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो 3 × 1/3 अंडर रूट में बाहर प्लस माइनस, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 1, 1 का अंडर रूट 1 होता है तो आंसर आ गया प्लस माइनस 1, सही। नीचे पार्ट नंबर 4 पे देखते, पार्ट नंबर 4 में आपको दे रहा है -2i/8i, इसको अंडर रूट में लिया और बाहर प्लस माइनस लगा दिया, तो माइनस आ रहा है 2 8 16 iota × iota² आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, सही। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, अंदर बचा 16 का रूट क्या हो जाता है 4, तो आपके पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का 4। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है 16/9 × 9/25, अंडर रूट में ले लेंगे और बीच में प्लस माइनस, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 16 का रूट 4 होता है, 25 का रूट 5 होता है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है MCQs वाले, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व हो गए। पार्ट नंबर में आपको 3 सॉल्व करके दिखा रहा था, 3 में आपको क्या दिया हुआ है 8√2 और 9√2, तो आपके पास आ जाएगा 8√2 × 9√2 इसके ऊपर, 8 9 72, रूट टू को जब रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए सिर्फ 2 बचेगा, 72 2 144 144, रूट है 12 का, आंसर आ गया प्लस माइनस 12, सही है। ये पार्ट नंबर 5 था, सॉरी पार्ट नंबर 3 था। अब पार्ट नंबर 5 है, उसमें आपको दिया हुआ है 7 + iota और 7 - iota, आपको नजर आ रहा है एलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है आपके पास, कौन सा प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाता है a² - b² 7 का² 49, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 49 + 1, आंसर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 50। अगर फर्दर चाहो तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो फ्रैक्शन में आंसर लिखने के लिए, सही है। तो जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास 5√2 आंसर आ जाएगा, सही। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल थे जो बिल्कुल सिंपल सर है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, तो बोर्ड पहले क्लियर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, एग्जाम में आ सकता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल में बोल रहा है इंसर्ट 2GM 3GM 4 और 5GM, तो शुरू करते हैं। GM हमें डालने हैं, रखने किसके बीच में 3 और 18 के, तो आपने फर्स्ट वैल्यू ली, उसके बाद जितने GM लिखने उतने G लिख दो, G1 दो निकालने इसलिए G1 और G2, इसी तरह 3 निकालने होंगे तो G1 G2 G3, इसे 4 निकालोंगे G1 G2 G3 G4 तक जाएंगे, सही है। और यहाँ पर पहली दो GM निकालने थे वो लिखे, फर्स्ट वैल्यू लिखी और जो एक और वैल्यू दी 81 आपने वो लिख दी। अब सॉल्व करने के लिए आपने ज्योमेट्रिक सीरीज को माइंड में लेके आना है कि ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, पहली वैल्यू A1 होती है, A2 होती है, A3 होती है, A4 होती है, और फर्दर किसके बराबर होती है, ये AR, पहली वैल्यू जो होती है वो A के बराबर होती है, सेकंड वैल्यू AR के बराबर होती है, फिर AR² के बराबर होती है और AR³ के बराबर होती है, सही। इसकी वैल्यूएशन से आपको पता चला कि जो A है वो आपका 3 है, तो आपने लिख दिया A = 3, और आपको पता चला
ए आर क्यूब किसके बराबर है, 81। तो आपने लिखा ए आर क्यूब इज इक्वल टू 81। सिंप्लीफाइड ये कर सकता हूँ कि मुझे ए की वैल्यू पता है, यहाँ पर मैं ए की वैल्यू रखूँगा 3 आर क्यूब इज इक्वल टू 81। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ पर जाएगा डिवाइड, 81 डिवाइडेड बाय 3, आर क्यूब इज इक्वल टू 27। जब एक तरफ से क्यूब हटाते हैं दूसरी तरफ क्यूब रूट चला जाता है, तो 27 का क्यूब रूट आप अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करो तो 3 आता है। सही है, कैलकुलेटर में आपके पास ये क्यूब रूट का बटन नज़र आ रहा होगा इस तरह से। सही है, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में करोगे क्या, शिफ्ट दबा के इस बटन को आ रहा है या डायरेक्ट आ रहा है, जैसे भी आ रहा है वो लिखोगे, उसके बाद 27 लिख दोगे तो आपके पास आंसर कैलकुलेटर 3 देगा। सही है, तो आपके पास आर आ गया। जब आपके पास आर आ जाएगा तो फिर ये दो G1 और G2 निकालना, तो G1 आपका है AR और आपका G2 है AR2, ये दो आप फाइंड कर दोगे। A की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू भी 3 है, 3 3 इज़ 9, पहला आंसर। A की वैल्यू 3, R2 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 इज़ 27। तो आपके पास जो आंसर निकालने थे वो आ गए 9 एंड 27, ये आपके आंसर है। सही, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला पार्ट था, क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सही, सेकंड पार्ट में आपको बताया 3 GM बिटवीन, 3 GM रखने हैं 2 और 1/2 के बीच में। 2 लिखा, 3 GM थे G1 G2 G3 और आखिर में दिया हुआ 1/2। सही है? करेंगे उसी तरह, पहली वैल्यू AR2 AR3 और AR4। आपको पता है कि A की वैल्यू 2 है, ऊपर से आपने देखी A की वैल्यू आपके पास 2 आ गई यहाँ से, और फिर अगर देखूँ तो ये AR4 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1/2। तो आपने इसको लिखा AR4 इज इक्वल टू 1/2। आपको A की वैल्यू पता है 2 रखी आपने यहाँ पर, 2 को रिमूव करेंगे दूसरी साइड पे तो ये हो जाएगा R4 इज इक्वल टू 1/2 2 टू द 4। अब आपके पास पीछे क्यूब पावर थी, जब आपने हटाया क्यूब रूट आई। रूल एक और ये है कि अगर 4 हटेगा एक तरफ से, सामने फोर्थ रूट भी आ सकता है, एक चीज़। और एक और चीज़ हो सकती है, ब्रैकेट में 1/4 लिखा जा सकता है, क्योंकि रूट को पावर में लिखने 1/4। तो यहाँ फोर्थ रूट लेना जाऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ 4 पे सॉल्व हो नहीं रहा, तो इस वजह से यहाँ पर मैं रखूँगा 1/4 की पावर 1/4 अंदर की वैल्यू लिखी। जब भी पावर एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है। सही है, तो ये आप रूल्स याद रखोगे तो आपको आगे आसानी हो जाएगी। सॉल्व तो नहीं हो रहा, अगर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँ तो ये हो सकता है 2 की पावर 2/4 को अगर सिंप्लीफाइड कर दूँ तो। सही, फर्दर अगर मैं देखूँ तो इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है, देखो आपके पास है आर 1/2 की पावर 2। बाहर पावर अगर होती है तो वो अंदर की वैल्यूज पर रखी जाती है। 1/4 को जब 1 पावर पे करेंगे तो 1 की चाहे कोई भी पावर आप सॉल्व करो 1 रहता है, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, नीचे आ जाता हूँ। 2 की पावर 2 है, बाहर से जो पावर थी वो थी 1/4, इसके साथ लिख दूंगा। अगर देखूँ तो सिंप्लीफिकेशन हो रही है यहाँ पर, 2 1 2 2 2 4, तो 2 की पावर बच रही है 1/2, और 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है √2। तो आपके पास ये R की वैल्यू आ गई, A आपके पास आ चुका है पहले ही, R आपके पास आ गया। अब आपको जो G निकालना है वो निकालोगे, आपको G1 निकालना है, G2 निकालना है और G3 निकालना है। G1 की वैल्यू आपके पास है AR, ये आपके पास AR2, देखो आपने जो शुरू में लिखा था ना वो है, और ये AR3। A की वैल्यू 2, R की वैल्यू 1/√2, तो आंसर हो गया 2/√2। AR2 का मतलब है A की वैल्यू लिखी, R की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, बच गया 1। AR3 की बात करूँ तो AR3 मतलब 1/√2 का क्यूब। अब अगर मैं देखूं तो √1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, इस पर क्यूब सॉल्व नहीं हो रहा। थोड़ा सा आप रफ्फक कर लोगे तो आपको आसानी होगी, √2 के ऊपर अगर क्यूब होता है तो ये सॉल्व अगर अंदर बाहर नहीं हो रहा तो फिर इसको अंदर रखेंगे। 2 का क्यूब होता है 8, कैलकुलेटर में अगर आप √8 लिखते हो आपके पास आ जाता है 2√2, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास आ गया 2√2, 2
टू से टू कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, वन अपॉन अंडर रूट टू। तो आंसर आ गया, पहला आंसर टू अंडर रूट टू, सेकेंड आंसर वन, और थर्ड आंसर वन अपॉन अंडर रूट टू। ये तीन आंसर आपके हैं, सही। ये आपके पास पार्ट नंबर टू था। पार्ट नंबर थ्री पे आते हैं, उसमें बोला 5 GM बिटवीन 3 and 96। पार्ट नंबर थ्री 5 GM बिटवीन, 5 GM रखने, यहाँ लिख दो 5 GM था, बिटवीन 3 and 96 था। पहली वैल्यू लिखी, फिर 5 GM है तो G1, G2, G3, G4 और G5, आखिरी वैल्यू 96। फिर वही पहली वैल्यू ए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर, ए आर फाइव और ए आर सिक्स। आपको पता है कि ए की वैल्यू 3 है और ए आर सिक्स की वैल्यू 96 है, तो अब लिखता है ए आर सिक्स इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू पता है वही रखिए, 96 3 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड होगा, 96 अपॉन 3। तो 96 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 96 डिवाइडेड बाय 3, 32। सिक्स पावर है जैसे पीछे बताया, सॉल्व नहीं हो रही तो यहां पर आ जाएगी 32 पावर 1 अपॉन 6, सही है। आगे फर्दर सिंप्लीफाइड देखो कैसे करेंगे, 32 6 से तो सॉल्व हो नहीं रहा, तो इसमें मैं कर सकता हूँ 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। अभी भी अगर देखूँ तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर मैंने सवाल में गड़बड़ी कर दी, 4 GM थे, 5 GM नहीं थे, 4 GM होंगे तो यहाँ पर ये एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 96। तो यहाँ से भी एक इसकी पावर पर नीचे आ जाता है, ये 5 पावर पर रहेगा, सही। तो यहाँ पर आपकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 5 पावर होगी, 6 पावर नहीं होगी। अब जब 5 पावर है तो फिर तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, ये अब यहाँ पर पावर जो जाएगी वो 1/5 जाएगी, 1/5। अब अगर मैं देखूँ तो 5 पावर से 5 पावर कट गई, आर की वैल्यू सिंप्लीफाइड आ गई। अगर सिंप्लीफाइड नहीं आ रही, इसका एक मतलब तो ये होता है कि आपने सवाल थोड़ी सी गड़बड़ उतार ली है, या तो सवाल ही इस तरह का है। ए और आर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई, अब आपको G1 निकालना है, G2 निकालना है, G3 निकालना है, G4 निकालना है। G1 आपका बराबर है AR के, ये बराबर है AR स्क्वायर के, ये बराबर है AR क्यूब के, और ये बराबर है AR 4 के। वैल्यूज रखते हैं, A की वैल्यू 3, R की वैल्यू 2, 3 2 6। A की वैल्यू 3, R की वैल्यू 2, फिर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12। A की वैल्यू 3, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 3 24। 3 2 की पावर 4, 16, 16 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 43। आंसर आ गया 6 12 24 and 48, ये आपके आंसर, क्लियर। पार्ट नंबर 4 हो गया, पार्ट नंबर 5 पे आते हैं, सही है। पार्ट नंबर 5 में आपको 5 GM बोल रहा है, पार्ट नंबर 5 5 GM बोल रहा है 16 and 1024 के। तो पहला लिखा, फिर G1, G2, G3, G4 और G5, 5 GM थे। पहली वैल्यू लिखी 16, लास्ट वैल्यू 1024। पहली वैल्यू हमारी A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR 4, AR 5 और AR 6 तक जाएगी। तो A इज इक्वल टू आपके पास 16 है, आपको AR 6 पता है, AR 6 इज इक्वल टू 1024। A की वैल्यू पता है 16, R 6 इज इक्वल टू 1024। 16 या मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया R 6, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1024 डिवाइडेड बाय 16, आंसर आ गया 64। 6 पावर है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगी पावर 1/64, 1/6, और 64 की पावर 1/6, 64 का एलसीएम लेंगे 2 की पावर 6 आएगी, 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, आंसर आर का बच गया 2। आर आ जाएगा तो उसके बाद हम सारे जीएम जो जो बोल रहे हैं हम बारी बारी निकाल के उसको देते जाएंगे क्वेश्चन से। तो पहली वैल्यू से शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ लिख लेते पहले
AR, AR square, AR cube, AR 4 और AR 5 निकालना है। सही है, पहली वैल्यू हमारे पास क्या भाई, AR, AR मतलब A की वैल्यू 16, R की वैल्यू हमारे पास क्या 2, 16 टू 32। सही है। अच्छा अब मैं यहाँ पर एक और ट्रिक आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम चाह रहे हैं कि ये GM हम इस तरह से ना निकालें, हमारे पास इसका एक और तरीका ये होता है कि अगर आपको अगला जो भी GM निकालना है, आप सिंपल क्या करो कि जो आपने GM प्रीवियस निकाला है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने ये निकाला ना, G1 निकाला हुआ है, आपने G1 निकाला, ये आ गया। अगर आपको G2 निकालना है, एक फार्मूला तो AR स्क्वायर है, दूसरा ये है कि अगर G1 को आप किससे R से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। G1 आपका 32 आया, R की वैल्यू 2 है, तो आंसर आ गया 64। इससे भी रखोगे तो भी 64 ही आएगा। सही है। इसी तरह जब नेक्स्ट जाएंगे G3 पर, या तो इस फार्मूले से सॉल्व करो, या आपका फार्मूला क्या बनेगा कि जो आंसर बैक पिछ प्रीवियस आया, प्रीवियस आपने किसका G2 का निकाला, G2 को R से मल्टीप्लाई करो। इसी तरह ये चलता जाएगा, G3 मल्टीप्लाई बाय R और G4 मल्टीप्लाई बाय R। तो G2 की वैल्यू आई है 64, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से कितना आया, 128। इसी तरह नेक्स्ट किया, G3 की वैल्यू है 128 है, फर्दर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 256। फिर G4 के लिए आपने G3 की वैल्यू आपने ली, ये 256 मल्टीप्लाई बाय 2, G4 की वैल्यू 256 मल्टीप्लाई ये आ गया 512। तो एक तरीका मैंने आपको इस सवाल में न्यू बताया जी निकालने के लिए। सही है। तो फर्दर जो जी आया उसी को आगे 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपके आंसर आ जाएंगे। इससे सॉल्यूशन इजी रह जाता है। सही है, आपको जैसे इजी लगे। पहला आंसर 32, 64, 128, 256 और 512, ये आपके आंसर आ गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसमें क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ले सकते हैं, 5 इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सवाल बोल रहा है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब बता रहा है कि दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन जो है वो है 29 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 21। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 21, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है 7 भी। ये तो आपको ये कंडीशन सवाल में दे रहा है कि अर्थमेटिक मीन 29 है, ज्योमेट्रिक मीन 21 है। सॉल्यूशन देखो किस तरह करेंगे। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन टू, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है ए बी अंडर रूट। अब अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन हमें कितना दिया हुआ है 29, तो ये हो गया 29 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू, टू डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 29 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 58 इज इक्वल टू ए प्लस। इन सवालों में अब सॉल्यूशन आप थोड़ा सा ध्यान रखना किस तरह आगे सॉल्व करोगे। ए या बी किसी एक चीज़ को आप दूसरी तरफ ले जाओ, तो बी को दूसरी तरफ ले जाऊंगा माइनस बी, आपके पास आ गई ए इज इक्वल टू 58 माइनस बी। दूसरी साइड सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन है 21, ए बी अंडर रूट, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे तो 21 का स्क्वायर हो गया, ए बी पर अंडर रूट है इस पर भी स्क्वायरिंग हो गई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 441। तो ये आपने लिखा 441 इज इक्वल टू ए बी। अब आपको पीछे पता था ए इज इक्वल टू 58 माइनस बी, तो यहाँ पर आप करोगे पुट ए, ए की वैल्यू हमारे पास है 441, ये लिखा ए की वैल्यू हमारे पास है 58 माइनस बी, फिर आगे बी, अब मल्टीप्लाई कर देंगे बी को दोनों से, 441 लिखा, ये हो जाएगा 58 बी माइनस बी और बी बी स्क्वायर, सारी वैल्यूज एक तरफ लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 441 प्लस 58 है वहाँ जाके माइनस 58 बी, माइनस भी बी स्क्वायर था यहाँ पर आके प्लस बी स्क्वायर हो गया। अरेंज कर लेता हूँ तो बी स्क्वायर माइनस 58 बी प्लस 441। अब होगी इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग, मिडल टर्म ब्रेकिंग हम करेंगे। मिडल टर्म ब्रेकिंग के लिए रफ वक्त में फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा। 441 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे 58 आए, तो ये करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे,
ये मैं आपको समझा रहा हूँ कैलकुलेटर में किस तरह, उसी तरह आप करते रहोगे तो आपको इजी हो जाएगा। सही, देखो कैसे आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में 441 है, इसको हर नंबर से डिवाइड करते जाना है। अब जैसे 2 से आपने डिवाइड किया, जब 2 से डिवाइड किया तो आ ही नहीं रहा, तो 441 डिवाइडेड बाय 3 करते देखते, आता है 3 के टेबल में, आता है 3 के टेबल में आता है 147 पर। जो फैक्टर यहाँ पर आया इसको चेक करते जाओ, प्लस या माइनस करके 58 बनता है, नहीं बनता इसका मतलब अब आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिर 441 को आप डिवाइड करते जाओ, 4 के टेबल में आएगा नहीं, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आया, 6 में चेक करते आएगा, नहीं आ रहा भाई। 441 डिवाइडेड बाय 7 किया, 7 के टेबल में आ रहा है, तो 7 के टेबल में कब आ रहा है, 63 पर। अगर मैं इन दोनों को प्लस या माइनस करूं, देखो 58 बनता है, तो 63 में से अगर मैं 7 को माइनस कर दूं तो मेरा बनता है 50, सॉरी 70, अगर 63 में से 7 को माइनस करूंगा तो मेरा 56 बनता है। सही है, हमारा 58 नहीं बनता, इससे भी आगे बढ़ेंगे। 441 को डिवाइड करते हैं भाई 8 से, 8 के टेबल में नहीं आता, 441 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं, 9 के टेबल में आता है, तो 49 के टेबल में 9 पे आता है 441। इसको अगर आप प्लस करो तो देखो 58 बन जाता है, लेकिन आपको माइनस का 58 चाहिए तो आप रखोगे -49 और -9, तो ये आपका बनेगा B² -49B -9B +441। आप इन दोनों में से B कॉमन ले लोगे, B -49 बच गया, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, हमने अभी निकाला कि 9 के टेबल में 49 पे आता है, माइनस कॉमन लेते हैं, साइन चेंज करते हैं और ये आ गया 49। तो आपके पास बी माइनस 49 एक आंसर आया, दूसरा आया बी माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो बी माइनस 49 अलग 0 से रखोगे, बी माइनस 9 सेपरेट 0 से रखोगे, इक्वल्स टू 0। तो बी की वैल्यू आ गई 49 और यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई 9। सही है, तो बी के आपके पास दो आंसर आ गए। आपको बी और ए दोनों निकालने हैं, आपको नंबर्स फाइंड करने हैं ना। तो अब आप इसके बाद फर्दर करोगे क्या, थोड़ा सा मैं बोर्ड पहले क्लियर कर देता हूँ। नहीं, हमें नंबर्स फाइंड करने थे, इसका मतलब ए और बी फाइंड करना था। सवाल में यह लिख भी सकते हैं कि हमें फाइंड क्या करना था, ए और बी। सही, हमें बी फाइंड हो गया दो वैल्यूज, ए फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ए बी को पुट करोगे, पुट बी, इसको नाम दे देते इक्वेशन वन का, तो लिखेंगे इन इक्वेशन वन। सही, तो ये हो जाएगा 58 माइनस बी इज इक्वल टू ए, 58 माइनस बी की वैल्यू है 49, एक दफ़ा 58 में से 49 जाएगा तो बचेगा 9, तो एक दफ़ा ए की वैल्यू 9 आ गई, एक और दफ़ा पुट करेंगे, यहाँ पर हम लिखते भी जाएंगे कि हमने क्या पुट किया है, बी इज इक्वल टू 49 रखा, फिर बी इज इक्वल टू 9 रखेंगे, तो 58 माइनस 9 इज इक्वल टू ए, 49 इज इक्वल टू ए। सही है, तो अब आप आंसर देखो किस तरह लिखोगे, ए की वैल्यू आपकी क्या है 49, और इसी से जो बी की वैल्यू थी वो 9 थी, फिर ए की वैल्यू एक दफ़ा क्या आई है 9 आई है, और फिर बी की वैल्यू 49, इस तरह से आपका आंसर आएगा। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा भी है और थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, ट्रिकी सवाल, ट्रिकी तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये मेमोराइज वाला सवाल है, जब तक आप दो तीन दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्टेप को याद नहीं रखोगे, तो सवाल आपकी सही से प्रैक्टिस में नहीं आएगा। सही है, क्वेश्चन 4 सवाल में बोल रहा है कि फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, सवाल में आपको बोल रहा है कि एन की क्या वैल्यू हो कि ये वैल्यू जी एम बन जाए। तो इसका मतलब ये जी एम बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे ए की पावर एन माइनस टू प्लस बी की पावर एन माइनस टू, फिर डिवाइड में ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर एन माइनस थ्री। ये जी एम बनाना है, इसका मतलब जी एम का जो फॉर्मूला होता है वो ए बी अंडर रूट होता है, इस तरह लेंगे। सही, अब यहाँ पर रूट है, या तो रूट को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग करूँगा तो फार्मूला लगा के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको इसी में सॉल्व करूँगा। जब भी रूट को ब्रैकेट में चेंज करते हैं पावर आ जाती है 1/2, और फर्दर जब 1/2 को करूँगा तो ए के ऊपर भी पावर 1/2 रहेगी, बी के ऊपर भी 1/2 रहेगी, और ये वाली वैल्यू हमारी एज इट इज़ कॉपी होगी पीछे के स्टेप से। सही है, तो इसको हम वापस कॉपी कर लेते हैं, ए की पावर एन माइनस टू
बी की पावर एन माइनस, पावर है आपने छोटी ही करके लिखनी, बड़ी करके नहीं लिखनी, सही है। बी की पावर एन माइनस थ्री, ऊपर ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर एन माइनस टू डिवाइडेड बाय ए पावर एन माइनस थ्री, बी पावर एन माइनस थ्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैल्यू डिवाइड में दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही। तो कोशिश करूंगा पूरा साफ सुथरा एक ही जगह पे आपको तरीके से कराऊं, आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाए। ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर एन माइनस टू, ये वैल्यू डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई होगी, तो ए की पावर वन अपॉइंट टू, बी की पावर वन अपॉइंट टू, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे ए की पावर एन माइनस थ्री, बी की पावर एन माइनस थ्री, ये एज इट इज आएगा क्योंकि यहाँ बाहर कुछ नहीं है। अब इनको मल्टीप्लीकेशन में कैसे करूँगा, पहले इस पूरी वैल्यू को एक दफ़ा मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, सही। इन दोनों में अगर आप देखो तो कॉमन जो चीज़ है वो ए है, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर यहाँ पर एक जगह एन माइनस थ्री है और एक जगह पावर वन अपॉइंट टू है, जो चीज़ सेम नहीं है वो एज इट इज़। आगे भी इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा सेकेंड वैल्यू को, तो ए सेम नहीं है एज इट इज आएगा, बी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो बी की पावर एन माइनस थ्री थी मल्टीप्लाई, और ये बी की पावर वन अपॉइंट टू, तो बेस सेम पावर ऐड होती है, रूल सही है। ये करा, थोड़ी चीज़ें आप रफ्फक में भी करते जाओगे या कैलकुलेटर साथ रखो तो आप लोगों को समझ भी आता जाएगा और स्टेप भी बहुत ईजी हो जाएगा छोटा। यहाँ जो पावर है सॉल्व होने वाली वो सॉल्व करते हैं, पावर है माइनस थ्री प्लस वन अपॉइंट टू, एलसीएम लेंगे तो टू थ्री जो सिक्स, और ये आ गई माइनस फाइव अपॉन टू, इसका मतलब यहाँ पर एन माइनस फाइव अपॉन टू बी की पावर वन अपॉन टू, फिर आगे ए की पावर वन अपॉन टू बी की पावर एन माइनस फाइव अपॉन टू, सही है। इस स्टेप के बाद ये ए की जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू को आप दूसरी तरफ लेके जाओगे, ये जो बी की पावर एन प्लस टू है इसको मैं इस साइड पे लेके आऊँगा, सही, और आखिर में लिखूँगा। तो ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं कौन सी वैल्यू कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो जो बॉक्स बना दिए दोनों वैल्यूज को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, सही है। तो क्या हो जाएगा, अब ए की पावर एन माइनस टू के पास क्या वैल्यू आ रही है, ये पूरी वैल्यू प्लस में यहाँ पर आके माइनस में आ जाएगी, तो एन माइनस फाइव अपॉन टू बी की पावर वन अपॉन टू, बीच में इज इक्वल लगाया, दूसरी तरफ वैल्यू जा रही है, एरो बनाया है मैंने लास्ट में इस वजह से क्योंकि लास्ट में वैल्यू लिखनी है, तो जो वैल्यू पे कहीं पे एरो ब्रैकेट नहीं बनाया, येलो से हाईलाइट नहीं, उसका मतलब वो एज इट इज आएगी, तो ये फाइव अपॉन, ये पूरी वैल्यू मैंने लिखी। अब बी की पावर एन प्लस टू, सॉरी यहाँ पर एन माइनस टू होगा, प्लस लिख दिया मैंने, सही है, तो ये मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस बी की पावर एन माइनस टू, सही है। तो ये हमारे पास वैल्यूज जो चेंज होनी थी वो हो गई, ये वैल्यू दूसरी तरफ से आ रही है इसलिए माइनस में आ गई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेंगे और यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे देखो, इन दोनों में देखूँ तो सेम क्या है, एन, ए की पावर एन, यहाँ पर ए की पावर टू है, यहाँ पर ए की पावर फाइव अपॉन टू। आसानी के लिए मैं एक चीज़ करूँगा, यहाँ पर इस फाइव अपॉन टू को अगर मैं कैलकुलेटर में डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर 2.5 हो जाता है, तो मैं यहाँ पर एक आसानी कर रहा हूँ कि इसको लिख रहा हूँ 2.5, सही। आप भी इस तरह इसको 2.5 लिख देना पॉइंट में, तो आसानी होगी एक चीज़ समझने में। देखो अब हुआ क्या कि आपके पास यहाँ पर एन की पावर टू है, यहाँ पर एन की पावर 2.5 है, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एन की पावर टू कॉमन लेंगे, और यहाँ पर ए की पावर एन माइनस टू कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा वन, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए की पावर एन कॉमन आ गई, 2.5 में से टू कॉमन आई थी पावर, इसलिए यहाँ पर माइनस है तो -0.5 बचेगी, सही है। तो यहाँ पर इस तरह किया कि ए की पावर एन कॉमन ली, ए की पावर टू कॉमन नजर आ रही थी वो ले ली, और 0.5 मैंने अलग से लिखा, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी यही है, बी की पावर आपको एन नज़र आ रही है दोनों में देख रहे हो, और बी की पावर यहाँ 2.5 है यहाँ 2 है, तो कॉमन लेंगे 2 पावर, सही है। यहाँ बचेगा ए की पावर वन अपॉन टू बी की पावर -0.5, बी की पावर एन माइनस टू कॉमन आ गया पूरा, यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचा ए एन माइनस टू,
1 माइनस बी की पावर 1 अपॉन 2 प्लस की है। ये पावर अगर मैं नीचे ले जाता हूँ तो ये माइनस 0.5 हो जाती है। फर्दर अगर आप 0.5 की बात करो तो ये 0.5 होता है 1 अपॉन 2 के बराबर फ्रैक्शन में। इस वजह से यहाँ पर वापस मैं इसको फ्रैक्शन में रखूँगा। तो आपको सवाल में याद रखना है कि कहाँ पर फ्रैक्शन में लिखनी है और कहाँ पर पॉइंट में। तो ये यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में समझाता तो मुश्किल हो जाती है, इस वजह से मैंने पॉइंट की। यहाँ पर भी देखो पावर जो माइनस की है उसको नीचे लेके आऊंगा और ये 1/2 में लिखूंगा इसको, सही है। यहाँ पर आपके पास 1 है। अब दोनों साइड पर एलसीएम होगा, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से ए की पावर 1/2। ये नीचे आ गई तो ये साइन भी इसकी प्लस हो जाएगी, माइनस नहीं आएगी। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई ए की पावर 1/2। बी की पावर एन माइनस टू लिखा, एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 है, नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए की पावर 1/2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बी की पावर 1/2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, सही। सामने अगर मैं देखूँ तो ये पूरी वैल्यू एक जैसी थी, ये कैंसिल हो गई, जो रिमेनिंग बची वो लिखेंगे ए की पावर एन माइनस टू बचा है, ए की पावर 1/2 रिमेनिंग में है, बी की पावर एन माइनस टू रिमेनिंग में, और यहाँ पर बी की पावर 1/2 है। नज़र आ रही है कि यहाँ दो पावर ऊपर ऊपर सेम है, यहाँ दो पावर नीचे सेम है, इन दोनों को साथ करेंगे किस तरह। ये जो बी की पावर एन अपॉन टू है ये नीचे लेके आएंगे, ए की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे, बी की पावर एन माइनस टू ये ऊपर आ जाएगी, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 ए अपॉन बी एन माइनस टू ए अपॉन बी पावर 1/2। ये और ये कैंसिल हो गया सेम, तो ये बच गया एन माइनस टू इज इक्वल टू 1/2, माइनस टू है दूसरी तरफ अगर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा, यही कर देता हूँ बाकी, सही है। माइनस टू है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस टू, एन की वैल्यू हो गई 1 + 2 = 4, आंसर आ गया n इज इक्वल टू 5/2, ये आपका आंसर है इसका। नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था और थोड़ा सा ट्रिकी था, इस वजह से ये एग्जाम में इम्पॉर्टेंट भी है, सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ये इसको मिटा देता हूँ यहाँ से चीज़ें। अच्छा क्वेश्चन 6 बोल रहा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सीड बाय द पॉजिटिव जी एम इज 2। इस सवाल में आपको कंडीशन दे रहा है तो आप स्टार्ट में लिख दोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कंडीशन दे रहा है? कि जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 एक्सीड करेगा। एक्सीड का मतलब बढ़ना होता है, तो यहाँ पर कंडीशन दी गई अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2। वैल्यूज रखेंगे हम, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है ए बी अंडर रूट प्लस 2। अभी आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता, यहाँ पर आप इसको लेफ्ट रखोगे, इसको यहीं तक रख लोगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको और कंडीशन आगे दे रहा है, देखो एन देयर सम इज, अब आपको जो दो पॉजिटिव नंबर दे रहा है अकॉर्डिंग टू, या सेकेंड कंडीशन लिख लेता हूँ, जो नंबर्स दे रहा है उनका सम बता रहा है 20 है, कि ए प्लस बी दोनों का सम क्या है 20 है। तो आपको इस सवाल में ये हो गया, पता चल गया कि ए प्लस बी की वैल्यू 20 है, तो अब यहाँ पर सॉल्व करोगे, पुट ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। तो मैंने रखा 20 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ए बी प्लस 2, कट क्या हो गया 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस 2, प्लस 2 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, वहां जाके हो जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे तो 8 पर स्क्वायर अंडर रूट ए बी पे भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया 64 इज इक्वल टू ए बी। अब फर्दर अगर मैं देखूं तो यहाँ ए बी आ रहा है, यहाँ ए प्लस बी आ रहा है, तो और करने के लिए मैं ये करूँगा, यहाँ से ए या बी को सेपरेट करता हूँ 20 माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, इस स्टेप के बाद करूँगा पुट ए इन इक्वेशन, इसको नाम दे देता हूँ 1 का, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मेरे पास है, ए बी इज इक्वल टू 64 वैल्यू पुट करूँगा, तो ए की वैल्यू क्या है
ट्वेंटी माइनस बी, फिर बी इज इक्वल टू 64। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 20b माइनस बी स्क्वायर 64। बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस है इसलिए वहाँ पर ले जाता हूँ प्लस करने के लिए, तो बी स्क्वायर माइनस में वहाँ जाके प्लस, प्लस 20 वहाँ जाके माइनस 20b, और 64 अपनी जगह पर। मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, 64 से हमें बनाना है 20, तो ये बता 16 फोर, तो माइनस 16b माइनस 4b, क्योंकि 16 फोर 64 होता है और इन दोनों को सॉल्व करके 20 आता है। सही है, इन दोनों से b कॉमन आ गया, b माइनस 16 बच गया, यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो b माइनस 16, b माइनस 16 एक आ गया, b माइनस 4 एक आ गया, b माइनस 16 अलग 0 के बराबर, b माइनस 4 अलग 0 के बराबर, b इज इक्वल टू 4 एक हो गया और b इज इक्वल टू 16 एक हो गया, तो b की आपके पास आ गई दो वैल्यूज। सही है, दो b की वैल्यूज आई, इसका मतलब अब दो a की वैल्यूज भी निकलेंगी आपकी। b निकालने के बाद a के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जहाँ a बनाया था इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, 1 दिया था 2, यहाँ पर पुट करेंगे, तो पुट b, पहले b की वैल्यू 16 पुट करेंगे, फिर b की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 20 माइनस b है 16, तो यहाँ से आ गई 4, यहाँ पर भी करेंगे a इज इक्वल टू 20 माइनस 4, तो यहाँ से आ गई 16। रिजल्ट आपका ये बनेगा कि a की वैल्यू आपके पास क्या आई, 4, a इज इक्वल टू 4 आई, और इसी से जो b थी 16, एक दफ़ा a की वैल्यू 16 आई तो b की वैल्यू 4 आई, ये आपका आंसर है। सही है, सवाल में पॉजिटिव का बोला था, इस वजह से हम अंडर रूट के बाहर नेगेटिव यहाँ साइन नहीं लगाए, वरना पॉजिटिव नेगेटिव भी रखा जाता है। सही है, अगर ना बोलता तो फिर हमें दोनों रखनी पड़ जाती। आपके सवाल पे जाते, क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 पे, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 5 एंड देयर पॉजिटिव जीएम इज 4। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे, मैंने आपको बताया कि दो नंबर्स हैं जिनका अर्थमेटिक मीन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कि दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन 5 है, उनका जो जीएम है वो है 4। सॉल्व करने के लिए ए बी ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट। सिंप्लीफाइड करूँ, स्क्वायरिंग करूँगा, तो ए बी अंडर रूट में इस पे स्क्वायर और 4 पे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया ए बी, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से सॉल्व कर लूँ तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 5 10। फर्दर सॉल्व, या तो यहाँ से ए अलग करूँ या यहाँ से, आसान है यहाँ से ही अलग करना, तो ये हो जाएगा 10 माइनस बी, ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू को अब आपने करना है पुट, ए इन इक्वेशन नाम दे दो इसको, कुछ भी इक्वेशन का 1 दे दिया, ए इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगी ए बी इज इक्वल टू 16 है मेरे पास वैल्यू है ए की, 10 माइनस बी इज इक्वल टू 16, मल्टीप्लाई करते हैं तो 10b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सारी वैल्यूज एक तरफ ले आएंगे, बी स्क्वायर को प्लस करना है इसलिए यहाँ पर लेके जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, 10b प्लस में था माइनस में माइनस 16। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 16 के साथ साइन है प्लस की, अब यहाँ पर हम करेंगे बी स्क्वायर, मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, हमें बनाना है बीच में 10, तो ये बन रहा है 2 8 16 होता है, तो -2b -8b, इन दोनों से 10 बनता है, मल्टीप्लाई करके 16 बनता है, तो ये आ गया b कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा b माइनस 2, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है b माइनस 2, b माइनस 2 एक ब्रैकेट, दूसरा b माइनस 8 एक ब्रैकेट, b माइनस 2 अलग 0 से बराबर लेंगे, b माइनस 8 अलग 0 के बराबर, b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 8, तो b की दो वैल्यूज आई, जब b की दो वैल्यूज आई इसका मतलब है a की भी आपकी दो ही वैल्यूज आएंगी, किस तरह, यहाँ पर पुट करके, इसको नाम दो a का, नाम अपनी मर्जी आप कोई भी दे सकते हो, तो पुट a इन इक्वेशन a, पहले a की, सॉरी यहाँ पर आपने b निकाला ना, b पुट होगा, तो b इज इक्वल टू पहले 2 पुट होगा, फिर b इज इक्वल टू 8 पुट होगा, a इज इक्वल टू 10 माइनस b था, b की वैल्यू 2, तो आंसर आ गया 8, फिर यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, रिजल्ट आपका क्या बनेगा,
ए की वैल्यू एक दफा 8 आई और बी की वैल्यू आपने रखी 2, तो बी इज इक्वल टू 2। फिर ए की वैल्यू आपकी क्या आई, 2 आई, और बी रखा था आपने 8। सही है, तो ये आपके आंसर्स हैं। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4 पॉइंट जो हमारी 7th या जो सॉरी 4.6 एक्सरसाइज थी जो मैंने कंप्लीट करा दी। उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।